नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल सूर्यमंदिर इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आपका प्यार ही हमें आगे ले जाता है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जैसे ही दोस्तों मैंने थंबनेल में लिख दिया है कि एक सेटअप बॉक्स पे 2 से 3 टीवी चलने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ जुगाड़ ऐसा दिखाने वाला हूँ जिसके कारण आप क्या है, एक सेटअप बॉक्स पे 2 से 3 टीवी भी आप आराम से चला सकते हैं। यानी कि दोस्तों एक ही रिचार्ज वाला सेटअप बॉक्स आप लेंगे और 2 से 3 टीवी आराम से आप चला सकते हैं। तो उसके लिए मैं जो जुगाड़ दिखाने वाला हूँ वो पहले देख लीजिए आप। तो दोस्तों जान लेते हैं ये वीडियो किन किन बंदों को काम लगने वाला है। तो पहले तो घर या दुकान, यानी कि घर और शॉप, ज़्यादातर बंदों को क्या होता है कि घर और दुकान इकट्ठा ही रहता है, उन बंदों को ये वीडियो काम लगने वाला है। और दूसरा यानी कि डुप्लेक्स में जो बंदे रहते हैं उन लोगों को भी बहुत काम लगने वाला है दोस्तों, कि एक सेटअप बॉक्स पे अगर आप ऊपर नीचे दोनों जगह अलग अलग रिमोट से काम करके जो चैनल आपको देखनी है वो देख सकते हैं, एक ही सेटअप बॉक्स से 2 टीवी चला सकते हैं। तो और बात करते हैं तो बेडरूम और बैठक रूम, यानी कि बेडरूम और बैठक रूम में दोनों अलग अलग टीवी रखिए तो भी ये वीडियो आपको काम का है, तो आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले। और दोस्तों दो परिवार है और एक ही तरह की चैनल देखना चाहते हैं तो भी दोस्तों ये वीडियो आपको काम लगने वाला है। तो दोस्तों इसके अंदर कौन कौन सा सामान लगने वाला है उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। पर दोस्तों इससे पहले हम क्या है कि आने वाले दो वीडियो है उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दो वीडियो आने वाले हैं वो बहुत ही धमाकेदार है और आपको बहुत ही काम लगने वाले हैं। तो यहाँ पे दो वीडियो की बात करते हैं। तो पहला वीडियो है कि मोबाइल से आपको कोई भी छतरी सेट करने का वीडियो बनाने वाला हो, यानी कि मोबाइल की जो ऐप आती है उसको लेके बात करने वाला हूँ उस वीडियो में, तो वो भी बहुत धमाकेदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर आपको कोई भी मीटर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली और मोबाइल से आप कोई भी डिश एंटीना को सेटिंग कर सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया कि किसी के भी समझ में आ जाएगा। थोड़ी दोस्तों उस वीडियो में मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की है, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूले। और दूसरे वीडियो की बात करते हैं तो डिश। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप डिश के कस्टमर हैं तो बहुत ही आसानी से उस डिश को सेट करना मैंने सीखा है, वो ऐसा भी एक वीडियो आने वाला है। तो दोनों वीडियो आप ज़रूर देखें। और चैनल पे अगर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक देना बिल्कुल ना भूले जब वीडियो आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जान लेते हैं कि एक सेटअप बॉक्स पे 2 टीवी चलने वाले में कौन कौन सा सामान लगने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, सामान की बात करते हैं तो जैसे जनरल में यहाँ स्क्रीन पर भी मैं चला के दिखा रहा हूँ और यहाँ आपको लाइव भी दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को कंटिन्यू करते आगे। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे भी चला के दिखा रहा हूँ और उसका छोटा सा वीडियो भी अंदर प्ले करके दिखा रहा हूँ और अलग से भी एक जानकारी देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए, आधा अधूरा वीडियो आपको भारी पड़ सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे बात करते हैं पहले कौन सी मेन चीज़ कौन सा है। अभी दोस्तों सामान की बात करते हैं तो पहला तो हो गया सेटअप बॉक्स। आप अगर फ्री टू एज का सेटअप बॉक्स देखना देख रहे हैं तो फ्री टू एज में भी हो सकता है, और अगर आप पे वाला सेटअप बॉक्स लेना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आपको जुगाड़ हो सकता है। तो पहला तो ये हो गया सेटअप बॉक्स। अभी दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ ये रहा मेरा दूसरा सेटअप बॉक्स। यहाँ स्क्रीन पे भी मैं चला के दिखा रहा हूँ कि मैंने लिया है एक सेंसर। जी हाँ फ्रेंड्स, और सेंसर के साथ क्या है, ऐसा केबल लंबा सा मैंने लगाया है। यहाँ स्क्रीन पर भी मैं चला के दिखा रहा हूँ, आपका टीवी जितना भी दूर हो दूसरा उतना आप लंबा केबल ले सकते हैं। और इसके अंदर क्या करना है आपको, किसी भी मोबाइल का एयरफोन, या तो फिर एयरफोन नहीं मिलता तो यहाँ पे जैक टू जैक जो ऑक्स पिन आती है दोस्तों, वो ऑक्स पिन भी आप ले सकते हैं और उसको काट के भी आप लंबा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस केबल में क्या होता है कि एक तरफ आपको ऐसी पिन रखने की है और दूसरी तरफ आपको इस तरह से इसको काट लेना है। यहाँ स्क्रीन पर भी मैं चला के दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर से आपको अंदर से 3 केबल निकलने वाले हैं, यानी कि पहला केबल है एक अर्थिंग का केबल आएगा, दूसरा केबल आपको लगाना है सेंसर में, आपको कहाँ पे लगाने का है 5 वोल्ट, और तीसरा केबल जो है वो आपको इंफ्रारेड यानी कि जो सिग्नल का मामला आता है उस पे लगाना है। और उसका मैंने थोड़ा सा वीडियो भी चला के दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, तो भी आप ध्यान में रखिए कि ये 3 केबल कैसे लगाने के। तो दोस्तों ये हो गया हमारा एक और सेटअप बॉक्स तैयार, तो इसको हम साइड पे रख देते हैं और दूसरी कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका अगर LED TV है तो यहाँ पे इस तरह का मैं HDMI केबल ले रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही लंबा केबल मैंने लिया है। आपका टीवी दोस्तों जितना भी दूर होगा
उतना आपको लंबा HDMI केबल लेना पड़ेगा। यानी कि HDMI केबल में क्या होता है दोस्तों, छोटा छोटा सिग्नल भी अच्छी तरह से आता है और ये पकड़ भी अच्छी तरह से रखता है। तो LED TV आप दोनों जगह रूम में देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल परेशानी की बात नहीं आने वाली। अगर आप डब्बा TV चला रहे हैं तो थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, क्योंकि जो AV केबल होता है उसके अंदर गेंद ढोने की जो क्षमता आती है वो थोड़ी कम रहती है। पर दोस्तों HDMI केबल में जो गेंद ढोने की क्षमता है वो बहुत बढ़िया रहती है, तो इसके अंदर आपको कोई भी पिक्चर क्वालिटी में दिक्कत आने वाली नहीं है दोस्तों। तो HDMI केबल पे आप अगर दो TV चलाना चाहते तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, बहुत ही अच्छी तरह से आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। और दोस्तों आगे की बात कर लेते हैं तो इस तरह की आपको पिन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो स्क्रीन पे मैं चला के दिखा रहा हूँ और मार्केट में बहुत ही कम दाम है, यानी कि 10-20 रुपये में ये पिन मिल जाएगी, तो आपको इस तरह की दो पिन भी आपको लेनी ज़रूरी है दोस्तों। अभी बात आगे की करते हैं और जान लेते हैं वीडियो में क्या किस तरह से इसको चलाना है और इसको चला के दिखा रहा हूँ दोस्तों। चलिए इसको चला के दिखाता हूँ तो आपको पता चले। तो दोस्तों इसको चलाना सीख लेते हैं और यहाँ पे मैं दो बॉक्स लेके बैठा हूँ, एक तो डिश TV कंपनी का और एक तो फ्रीट्वेज वाला। यानी कि किसी के घर में फ्रीट्वेज वाला बॉक्स होगा या तो किसी के घर में ये डिश TV यानी कि पे वाला बॉक्स होगा, यानी कि टाटा स्काई कंपनी का या तो फिर डिश TV कंपनी का। यहाँ पे मैंने डिश TV कंपनी का 7000 HD करके जो मॉडल आता है उस बॉक्स को मेरे हाथ में लिया है, क्योंकि इसके अंदर जो ये मैं फंक्शन बनाना चाहता हूँ वो बहुत ही आसानी से बन जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, किस तरह से आसानी से बन जाता है वो भी मैं यहाँ वीडियो में चला के दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो पे बने रहे, पूरा वीडियो देखते रहे। पर यहाँ पे पहले तो हम वायरिंग को देख लेते हैं, मैंने किस तरह से वायरिंग किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे वायर मैंने हाथ में लेके रखे। तो पहला जो वायर केबल है हमारा ये सेंसर का, यानी कि हमारे दूसरे सेटअप बॉक्स का। हमारा ये दूसरा सेटअप बॉक्स जाएगा हमारे दूसरी जो TV है उसके पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 केबल निकले, तो आपको जितनी भी आपकी TV की दूरी है उतने तक आपको वायर यानी कि केबल लेना पड़ेगा। उस केबल को आप लंबा करते जाए और उसको जहाँ भी आपकी TV हो वहाँ पे इस तरह से आपको लगा देने का है। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आपको लगा देने का। मैं पूरा फंक्शन भी चालू करके दिखाने वाला हूँ, पर यहाँ पहले तो हम वायरिंग को समझ लेते हैं कि हमें वायरिंग कैसे करना है। तो यहाँ पे ये एक बात हो गई और इसको लगाने का तरीका ये है दोस्तों, ये ARC का यहाँ एयरफोन का जो पोर्ट है उस पर बनाना पड़ता है। उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसका भी मैं छोटा सा वीडियो अंदर चला के दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों अगर आपका सेटअप बॉक्स 7000 HD नहीं है और कोई और यानी कि सादा सेटअप बॉक्स है तो भी इसको आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ स्क्रीन पे मैं एक फ़ोटो चला के दिखा रहा हूँ, तो उस टाइप का आपको जैक लाना पड़ेगा, यानी कि इसके सामने का जो फंक्शन आता है वो लाना पड़ेगा। यहाँ स्क्रीन पे मैं चला के दिखा रहा हूँ, वो आप मार्केट में कहीं पे भी आपको 10-20 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। उसको आपको किस तरह से लगाने का है वो भी मैंने यहाँ स्क्रीन पे चालू करके मैं दिखा रहा हूँ, तो वो भी ध्यान से देखिए। अभी दोस्तों दूसरे केबल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर डिश TV HD का ही बॉक्स मेरे हाथ में अभी, तो और ये दूसरा है 3RC का पोर्ट जो हम अपनी पास की जो TV में है उसमें डालने वाले हैं। और उसके बाद ये लंबा जो केबल है वो हमारा जो दूसरा TV है उसके पास जाएगा, यानी कि लंबा HDMI का केबल है। जितनी भी हमारी TV दूर हो उतना लंबा हमें HDMI का केबल लेना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी सादे सेटअप बॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि सादे सेटअप बॉक्स को आप किस तरह से ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे भी चला के दिखा रहा हूँ और पास में भी आपको चला के दिखा रहा हूँ कि भाई इस तरह से हमें ये पिन का यूज़ करना है, और हमें वीडियो भी दो बनाने के और ऑडियो भी आप हमें दो बना देने के, दोनों ही ऑडियो वीडियो दो दो बन जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि तो दोस्तों यहाँ पे हमने सेटअप बॉक्स का जो वायरिंग आता है वो वायरिंग करके रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। और थोड़ा नज़दीक लेके भी आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे सेंसर का जो केबल आता है वो अंदर से टाँके लगा दिए, और स्क्रीन पे भी मैं चला के दिखा रहा हूँ कि किस तरह से इसको सेंसर के टाँके लगाने के। और ये दोस्तों दूसरा ये HDMI केबल है दोस्तों यहाँ पर, वो मैंने दूसरे TV में लगा के रखा है। और ये जो 3 पिन का केबल आपको दिख रहा है वो मैंने यहाँ पे ये LG वाले TV में लगा के रखा है। तो हो गया हमारे दोनों टीवी का वीडियो ओके। अभी थोड़ी जनरली बात कर लेते हैं कि सेटअप बॉक्स को तो हमें चालू रखना ही पड़ेगा दोस्तों, पर यहाँ पे जो बात बतानी रह गई है वो ये सेटअप बॉक्स ही। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपके पास अगर डिश TV का सेटअप बॉक्स है दोस्तों,
तो इस तरह से भी आप वायरिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं एक केबल, और यहाँ पे निकलते हैं दोस्तों ऑक्स केबल का, मैंने आगे भी वीडियो में चला के दिखाया कि यहाँ पे तीन केबल जो आते हैं उसको हमें लगाना है सेंसर में। यानी कि इस तरह से भी हम बना सकते हैं, पर ये तरीका दोस्तों थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो आपको नियर कोई टेक्नीशियन के पास जाना पड़ेगा, और टेक्नीशियन के पास जाके ही आपको ये तरीका कंप्लीट करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये अगर डिश टीवी का सेटअप बॉक्स आप यूज़ कर रहे हैं तो ये तरीका आपको घर पे नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये केबल क्या है आपको आपका सेटअप बॉक्स ही ख़राब कर सकता है। अभी ये दोस्तों ये हो गया है, अभी मैं फ्री टू एच के सेटअप बॉक्स के बारे में बात कर लेता हूँ। दोस्तों अगर आपके पास फ्री टू एच का सेटअप बॉक्स है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, नियर कोई टेक्नीशियन के पास जाना है, और सेंसर का जो केबल आता है वो तीन अलग से निकाल लेने के, और आपका टीवी जो जहाँ पे भी हो वहाँ तक का लंबा आपको केबल ले लेने का है, और सेंसर को इस तरह से आपको लंबा ले लेने का है। दोस्तों बहुत ही पतला केबल यूज़ करने का है, क्योंकि इसके अंदर गेंद ढोने की जो क्षमता आती है वो अच्छी तरह से आपको मिल जाती है। तो ये हो गए जो बेसिक नॉलेज वाली है। तो दोस्तों ये हो गई आपको प्री टू एच सेटअप बॉक्स की बात, और इसके साथ आपको क्या है इस तरह की आपको पिन की भी ज़रूरत पड़ेगी जो हम इस तरह से लगाएंगे, और यहाँ से हम एक वीडियो और एक ऑडियो डबल डबल कर लेंगे जो हमारे दूसरे टीवी में जाएगा। तो ये तो नॉर्मल आप कोई भी नियर बाय टेक्नीशियन को बुलाएंगे तो भी आपको करके देगा, तो इसमें कोई परेशानी जैसी बात नहीं है। और दोस्तों अभी बात कर लेते हैं हम मेन मुद्दे की, यानी कि ये हो गया हमारा पहला सेटअप बॉक्स, और हम चलाएँगे दूसरा सेटअप बॉक्स सेंसर के द्वारा। जी हाँ फ्रेंड्स, दूसरा सेटअप बॉक्स हम चलाएँगे सेंसर के द्वारा, यानी कि मैंने पूरा यहाँ पे वायरिंग करके रखा है, ये आप देख सकते हैं, और मैं आपको ये दूसरे सेटअप बॉक्स के पास ले जाता हूँ। देख सकते हैं ये केबल है मेरा, और ये मैंने इस तरह से लगाया, यानी कि ये हो गया हमारा दूसरा सेटअप बॉक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम नियर कोई शॉप में जाएंगे तो भी ये हमको केबल बना के देगा दोस्तों, पर ये खुद घर पर भी बना सकते हैं अगर आपके पास सोल्डर है तो। तो दोस्तों यहाँ पे हम दूसरे सेटअप बॉक्स को चला के भी देख लेते हैं कि चलता है कि नहीं। तो यहाँ पे पहले तो हम चैनल प्लस का बटन दबा के देख लेते हैं कि चैनल प्लस अच्छे से हो रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि चैनल चलो चैनल माइनस करके देख लेते हैं, चैनल माइनस ये भी अच्छे से हो रही है, यानी कि ये अच्छे से भी वर्क कर रहा है और कोई दिक्कत भी नहीं दे रहा है। पर दोस्तों अगर आप दो टीवी से ज़्यादा चलाने चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरह के तीन सेंसर भी लेने पड़ सकते हैं, चार सेंसर भी लेने पड़ सकते हैं अगर आप ज़्यादा टीवी चलाना चाहते हैं तो। तो दोस्तों इस तरह के आपको और भी सेंसर लगा के और भी टीवी चलाने हो तो चला सकते हैं। आपको जितने टीवी चलाने होंगे उतना आपको केबल का वायरिंग भी करना पड़ेगा, और आपको ये सेंसर भी ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे। पर आप मेरी माने तो दो से ज़्यादा टीवी ना चलाए तो भी अच्छा है, क्योंकि क्या होता है सेटअप बॉक्स के अंदर जो होता है वो 10 वाट का फिल्टर वो हर जगह इतनी ताकत नहीं करता। तो दोस्तों मेरी माने तो दो से ज़्यादा टीवी ना चलाए तो ये अच्छा है, तो आपकी सेटअप बॉक्स की जो सुरक्षा है वो भी बनी रहेगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा वो कॉमेंट सेक्शन में थोड़ा बताते रहिए, और दोस्तों आगे जो दो वीडियो लाने वाला हो उसको आप बिल्कुल ना मिस करें। तो दोस्तों आगे जो वीडियो आने वाला हो उसके बारे में बात करते हैं, तो बिना मीटर और बिना सेटअप बॉक्स के आपको डिश एंटीना कैसे सेट करने वाला हो उसके बारे में बताने वाला हूँ। यानी कि मोबाइल से आपको कोई भी छतरी कैसे सेट करनी है उसके बारे में चर्चा करने वाला है, तो वो वीडियो बिल्कुल मिस ना करें। इसके साथ दोस्तों वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।